देखिए, अपने जीवन को जीने के दो तरीके हैं, या तो मैं वो करना चाहता हूं जो मैं करना चाहता हूं, मगर आपको समझना होगा कि जो आप करना चाहते हैं वो सिर्फ एक विचार है जो आपने पैदा किया, और वो आपका भी नहीं है, उसे आपने अपने आसपास से उठाया है। हाँ, कुछ रुझान हो सकते हैं। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं, किसी न्यूज चैनल ने मुझसे पूछा, सदगुरु क्या आप इस बार चुनाव में खड़े हो रहे हैं, क्या आप अगले चुनाव में खड़े हो रहे हैं? मैंने कहा नहीं, लेकिन क्यों? I said that's not my competence. मैंने कहा वो मेरी योग्यता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छा राजनेता बन सकता हूँ। अगर मुझे लगता तो मैं शायद उसके बारे में सोचता। तो एक चीज है रुझान, क्या आपका किसी खास कार्य के प्रति रुझान है? क्या इसलिए आप उस दिशा में सोच रहे हैं? या आज ढेर सारे लोग क्या करना है इसका फैसला इस आधार पर करते हैं कि उन्हें उससे क्या मिलेगा? क्या मुझे इस तरह की जीवन शैली मिलेगी, क्या मुझे इस तरह की तनख्वाह मिलेगी, क्या मैं इस तरह का पैसा और जीवन शैली कमा पाऊंगा? वो इसी के बारे में सोचते हैं। ये गलत तरीका है, क्योंकि आपके पास सब कुछ होगा और अंत में आपके पास जीवन में कुछ भी नहीं होगा। महत्वपूर्ण चीज ये है कि देखिए, अगर आप खुद को, सबसे पहले आपको यह करना चाहिए, आपको अपने जीवन में काम नहीं करने चाहिए अपनी बेचैनियों, अपनी निराशाओं, अपनी चिंताओं के आधार पर। जब यह प्रश्न आपके जीवन में एक गंभीर प्रश्न बन जाता है तो आपको छुट्टी लेनी चाहिए, कम से कम 3 से 10 दिनों की, जो इस पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं। कुछ लोगों को शायद 3 दिन लगे, किसी को शायद ज्यादा समय लगे। मान लेते हैं अधिकतम 3 से 10 दिन की रेंज में, और अपने साथियों से प्रभावित ना हो, फोन को स्विच ऑफ कर दें, अपने प्रोफेसरों से प्रभावित ना हो, अपने माँ बाप से या सामाजिक दबाव से प्रभावित ना हो, थोड़ा समय खुद के साथ बिताएं और देखें। मैं आपसे एक सरल से सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप एक कीमती जीवन है? आपका जीवन क्या वो आपके लिए कीमती है? हेलो, अगर वो आपके लिए कीमती है तो आप इस कीमती जीवन को किस चीज में लगाने जा रहे हैं? आपको इस चीज की चिंता होनी चाहिए, है ना? आपको कोई चीज इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो कर रहा है, आपको कोई चीज इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो नहीं कर रहा। ये चीजों को तय करने का तरीका नहीं है, आप अपना जीवन लगा रहे हैं। अगर ये जीवन कीमती है तो आपको ये देखना चाहिए कि कौन सी चीज वाकई आपके लिए मायने रखती है, और आपको वही करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फायदेमंद है फायदेमंद नहीं है, अगर आपका दिल किसी चीज में नहीं है तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं करेंगे, है ना? अगर आप अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं करते तो आपके साथ शानदार चीजें कैसी होंगी? देखिए, चाहे वो कला हो, संगीत हो, डिजाइन, बिजनेस, खेल, आध्यात्मिकता या राजनीति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, अगर आप उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं जो आप कर रहे हैं, तो आप कभी अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाएंगे। ये बात 100% तय है। आप शायद रोजी रोटी कमा लें, लेकिन आप कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाएंगे अगर आप किसी चीज के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं। देखिए, अभी ऐसे कई उदाहरण हैं, क्योंकि उन्हें भारत रत्न दिया गया है इसलिए मैं उन्हें चुन रहा हूं। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर, यह आदमी गेंद को मारने के सिवाय और कुछ नहीं जानता। उनका पूरा समर्पण है बस गेंद को मारना, गेंद को मारना, गेंद को मारना, और वो उसे ऐसे मारते हैं जैसे कोई नहीं मार सकता। अब वो एक भारत रत्न है, हाया ना? ये बस समर्पण है। आप उनसे अकेले में बात करके देखिए, वो आप गेंद के बारे में बात कीजिए, वो उसके प्रति इतने समर्पित हैं, ठीक है, वो उनका धर्म है, वो उनकी पवित्र चीज है, वो उनके लिए सब कुछ है। उस गेंद को मारना अपना सारा जीवन वो एक मामूली से काम में लगा देते हैं, गेंद को मारने में। क्या ये एक बड़ी चीज है? लेकिन गेंद को मारना जबरदस्त समर्पण के कारण, देखिए कि क्या हो जाता है, जबरदस्त चीजें होती हैं, है ना? तो सवाल ये नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप इसके प्रति समर्पित हो सकते हैं। आप यूं सोचें, अगर आज मैं अपना जीवन लगाता हूं तो अगले 25 साल क्या मैं उसके प्रति समर्पित रह सकता हूं जो मैं अभी कर रहा हूं? क्या ये मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा? क्या मैं संतुष्ट महसूस करूंगा अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं कि मैंने क्या किया है? कुछ भी आप जो चाहे वो कीजिए, बस उसे अच्छी तरह कीजिए, ये महत्वपूर्ण है। और कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिसे लेकर कल आपको शर्मिंदा होना पड़े, है ना? दूसरे लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपको अपने काम पर शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? हेलो, इतना आपके पास होना चाहिए, अपने जीवन में आपके पास इतना गर्व और आजादी होनी ही चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पूरी दुनिया कहती है कि आप गलत हैं, लेकिन आप उसके लिए शर्मिंदा नहीं हैं जो आपने किया है,
इतना आपको अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। अगर ये एक चीज आप छोड़ देते हैं तो आप एक बहुत मामूली जीवन जिएंगे। आपके पास भले ही सब कुछ हो लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं होगा।